जय हिंद जय भारत पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी है, 4,000 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI की ओर से वैकेंसी है, ऑब्जर्वर की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है कॉन्ट्रैक्टर बेस पे, और 4,000 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा। पूरे भारत यानी कि पान इंडिया की ओर से वैकेंसीज है। एक्सेसमैन को यहाँ पर तवज्जो, उनके लिए वैकेंसीज है, प्रिपेयर नहीं बल्कि उनके लिए वैकेंसीज रहेगी। बेसिक आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। 25 मई 2023 तक आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारत में जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ पर ऑब्जर्वर के तौर पर पूर्व सैनिकों की आवश्यकता रहेगी। पूरी डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया में जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ पर पूर्व सैनिकों की आवश्यकता होगी, वहाँ पर पूर्व सैनिकों की ड्यूटी रहेगी। पहले गवर्नमेंट टीचर या फिर गवर्नमेंट स्टाफ को लेती थी, लेकिन उनकी उनको जब डिटेल्स करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, और आजकल नियम चेंज हो गया है। यदि स्कूल में स्कूल के टीचर को वहाँ पे लगाते हैं तो स्कूल डिस्टर्ब होते हैं, तो उसकी वजह से सरकार ने फैसला लिया है कि यहाँ पर पूर्व सैनिकों की तैनाती होगी। जहाँ पर भी चुनाव होता है वहाँ पर ऑब्जर्वर के तौर पर पूर्व सैनिक की आवश्यकता होगी। तो पूरे भारत में आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरे भारत से कहीं से भी आप देख रहे हैं तो आप इस लिंक के माध्यम से क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि लिंक खुल नहीं रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं आपको अपने सामने किस तरह से इस लिंक को ओपन करना है वो भी डिटेल से बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन का में लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं कोई फ्रॉड नहीं बता रहा हूँ आपको, जो DGR की ऑफिशियल वेबसाइट में है वही आपको बता रहा हूँ दोस्तों। DGR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके लिए, उसमें जब DGR में कि आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा जो कि ऑब्जर्वर के तौर पर है, और यहाँ पर इसकी डिटेल्स दी गई है। डाउनलोड यहाँ पे लिखा गया, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा जो कि मैंने करके रखा है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो ये जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे आप इसके इसका जो फॉर्म है उसमें आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। देख रहे होंगे आप लोग, ओपन करना है, जस्ट ओपन मैं कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का एक फॉर्म मिलेगा जिसमें कि आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये आपका ईमेल एड्रेस है, उसके बाद यहाँ पर आपको नाम भरना होगा आपका, जो भी है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पर आपको एज आपकी जो भी है आपकी एज वो आपको मेंशन करनी होगी। एजुकेशन आपका लास्ट क्या था वो भी आपको मेंशन करना होगा। मोबाइल नंबर, पोस्टल एड्रेस, सिटी आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों। सिटी आप मेंशन कर दें। सिटी मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें कि पिन कोड आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एग्री करना है, आई एम नॉट ए कॉस्ट अकाउंटेंट क्रिएटेड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी, यहाँ पर आपको एग्री करना है और आपको इसको कर देना है दोस्तों सबमिट। ये हो गया इसका फॉर्म बनने का प्रोसेस। तो इस तरह से आप इसको क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। 4,000 रुपये यहाँ पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे बताया भी गया है कि 4,000 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो भी एक्सपेंस आपका बिल वगैरह है पोलिंग बूथ तक जाने का, वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा अपने घर से पोलिंग बूथ तक। तो इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी जाएगी। आज के इतना ही, जय हिंद।